हरियाणा राज्य में दो अमेंडमेंट किए गए थे। एक अमेंडमेंट तो हम लोग पहले से जजमेंट है, जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में पहले ही ये बात आई थी कि हरियाणा राज्य ने कहा कि हमारे यहाँ जो दो बच्चों से अधिक बच्चे, फला फला तारीख, फला फला प्रोसीजर जो भी उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, उसके बाद जिसके दो से अधिक बच्चे होंगे वो पंचायती राज का चुनाव नहीं लड़ सकता। तो आर्टिकल 14 में कॉन्स्टिट्यूशन में उसको चैलेंज किया गया था, और अभी सुप्रीम कोर्ट से चैलेंज करते समय ये कहा गया था कि देश के पार्लियामेंटेरियन हैं, उनके बच्चों, उनके ज़्यादा बच्चे हैं, उनको क्यों नहीं रोका गया, उनके बच्चे हो रहे हैं, विधायकों के बच्चे हो रहे हैं, दुनिया भर की बात आर्टिकल 14 में कही गई। और ये कहा गया कि ये इनइक्वालिटी है, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनइक्वालिटी को इलीगैलिटी से ट्रील नहीं कर सकते, या अनइक्वल्स को इक्वल नहीं किया जा सकता। इसलिए क्या करना कि जहाँ से अच्छा काम शुरू हो वहां से उसको मान्यता देनी चाहिए, और उन्होंने उसमें कहा कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं है। फिर हरियाणा में पंचायती राज के चुनाव हुए तो पंचायती राज अधिनियम के धारा 175 में फिर एक संशोधन हुआ, और उस संशोधन में यह कहा गया कि जो भी व्यक्ति 10वीं क्वालिफाई नहीं होगा वो पंचायती राज का चुनाव नहीं लड़ सकता। तो फिर पंगा पड़ा और फिर चैलेंज हुआ आर्टिकल 14। उन्होंने कहा साहब ऐसा कैसे कह सकते हैं, देश का सांसद जो है वो बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति हो सकता है, राष्ट्रपति बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति हो सकता है, और हमारी पंचायत में 10वीं क्वालिफाई कर दिया। तो उस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो चैलेंज हुआ वो केस का नाम था राजबाला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। 2015 में सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने उसको डिसाइड किया, और राजबाला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में उन्होंने कहा कि पंचायती राज अधिनियम में जो संशोधन किया गया है और जिसमें ये कहा गया है कि देयर मस्ट बी मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ 10th क्लास इज वैलिड एंड इट इज नॉट इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। इसमें उसने कहा कि ये आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है और ये वैलिड है, ठीक है ना। अब वो बातें आई होंगी कि सब सांसद को, विधायक को, इनको उनको, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फिर से वही कहता अच्छा काम जहाँ से शुरू किया जाए, आप जनप्रतिनिधि बनने जा रहे हैं, आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन लगाई जा सकती, और किसी राज्य ने अगर अच्छा काम किया है तो उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, ना कि उसको डिस्करेज करना।